छोटू पोद्दार के गोली मारकर हत्या मामले में अपराधियों की हो गई है पहचान। हत्या की वजह एक दो बिंदु है जिस पर की अभी पुलिस अनुसंधान जारी है, तो वो बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान पुलिस कर रही है और हत्या के कारण, हत्या में शामिल अपराध कर्मियों की लगभग पहचान हो गई है, तो आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई है इसमें की जाएगी। सर दीरा का इलाका है। बता दें कि नगर थाना क्षेत्र में कल गोली चली थी जिसमें दो व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस दौरान पूर्णिया परिक्षेत्र के DIG विकास कुमार अपने कटिहार दौरे के दौरान पुलिस पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और क्राइम कंट्रोल की दिशा में कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कल कटिहार के हरिगंज चौक पर दिन दहाड़े पार्षद पति छोटू पोद्दार और उनके सहयोगी प्रीतम की हत्या के बारे में DIG विकास कुमार ने कहा, इस दिशा में कटिहार आरक्षी अधीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है और सारे अपराधियों की पहचान हो गई है और हत्या के बिंदुओं को भी पुलिस को लीड मिली है। जल्द ही हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हो जाएगी। और उनके सहयोगी की अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें पुलिस अधीक्षक कटिहार के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अन्य पुलिस पदाधिकारियों की एक SIT की टीम गठित की गई है। कांड का उद्भेदन भी लगभग पूर्ण कर लिया गया है और इसमें जो भी शामिल अपराध कर्मी है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। क्या लगता है सर, हत्या का क्या वजह सामने आया अभी तक? हत्या की वजह एक दो बिंदु है जिस पर की अभी पुलिस अनुसंधान जारी है, तो वो बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान पुलिस कर रही है और हत्या के कारण, हत्या में शामिल अपराध कर्मियों की लगभग पहचान हो गई है, तो आगे जो भी आवश्यक कार्रवाई है इसमें की जाएगी। सर दीरा का इलाका है।